रोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन परिचय को जानेंगे। इसके पहले हम उनके आलेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन परिचय। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। जहां तक उनकी शिक्षा का सवाल है तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन भी गए। पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए उन्होंने पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व समान सम्मान दिलाने के लिए अथक परिश्रम किया। वे भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये उनकी किताबों के नाम थे। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में उनकी सभी रचनाओं को प्रकाशित कर दिया गया है। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ। तो यह था बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन परिचय। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर आपको वेबसाइट पर जाने के लिए वेब लिंक मिल जाएगी और उसके जरिए आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बेहद प्रसन्नता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।